वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ब्यूटी मैजिक। कैसे हो आप सब? आज करवा चौथ के लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से, जैसे घर पर रहकर मेकअप कर लेते हैं, आज मैं ऐसे ही मेकअप करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सबसे पहले प्राइमर। फेस क्लीन कर लीजिए, अपना मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और प्राइमर अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी ज़्यादा ब्लेंडर ब्रूस यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम जिस तरीके से घर में रहकर एक मेकअप करते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि घर पर आप, क्योंकि इतने प्रोडक्ट नहीं रखते हैं हम घर पर, इतने ज़्यादा ब्रूस वगैरह नहीं रखते हैं, तो मैं यहाँ पर जो बेस बनाऊँगी हाथों से ही बनाऊँगी। आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से मेकअप कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो सीक्रेट है वो है मेरा, यहाँ पर मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ वो SD का है। SD का फाउंडेशन यूज़ करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जितने भी डार्क सर्कल्स हैं या फिर दाग धब्बे हैं वो SD फाउंडेशन से छिप जाते हैं। उसके लिए आपको कोई भी कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बस एक ही फाउंडेशन से आप अपने फेस पर सभी दाग धब्बों को छुपा सकते हैं। है ना कितना आसान, कोई कलर कैरेक्टर नहीं है, कोई कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं। और देखा, बस SD फाउंडेशन लगाया और सभी दाग धब्बे गायब। अब मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर BB क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ और उसके ऊपर मैं BB, ये लैक्मे की BB क्रीम है, और साथ में मैंने यहाँ पर लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है। इसको मैं दोनों को मिक्स कर लूँगी और फेस पर अप्लाई करूँगी। ये जो मैंने यहाँ पर लिक्विड हाइलाइटर लिया है, इसको इल्यूमिनेटर भी बोलते हैं, और अगर आप इसको फाउंडेशन या फिर किसी भी क्रीम में मिक्स करके लगाते हैं तो आपका मेकअप ग्लोसी हो जाता है, शाइन करता है और बहुत अच्छी चेहरे पर आपकी चमक आती है। ये एक सीक्रेट है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका मेकअप देखने लायक होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने मेकअप में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे और आप मेरे फेस की जो चमक है, जो एक नेचुरल ग्लो है, वो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कोई कंसीलर नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। देखो कितना आसान है, इस तरीके से आप घर पर रहकर मेकअप कर सकते हैं। किसी भी शादी पार्टी में यहाँ पर करवा चौथ के लिए तैयार हो रही हूँ, और बस ये मेरा पूरा बेस तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप अपने आंखों के नीचे हाईलाइट एरिया पर कंसीलर का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें थोड़ा गहरी हैं मेरे की तरह, तो आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने कंसीलर यूज़ कर लिया है, और ये हाईलाइट कंसीलर है। कलर इसका एकदम फेयर है, और कंसीलर हमेशा डैब डैब करके लगाना चाहिए। और बस बेस सेट करने के लिए मैं यहाँ पर पाउडर का यूज कर रही हूँ, ताकि हमारा जो बेस है वो सेट हो जाए। घर पर रहकर आप इस तरीके का बेस तैयार कर सकते हैं, अपने जो आईब्रो हैं उनको फ्रिल कर सकते हैं, आप आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं या फिर आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये आईब्रो पाउडर पैलेट है, मैं इससे अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करना। फ्रेंड्स, मेरे करवा चौथ का ये सिंपल सा मेकअप आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।